हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपका कृषि से सिंचाई से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एसी जो जेई जेई की परीक्षा होने वाली है उसमें पूछा जाता है, और सिविल में भी पूछा जाता है कि सिंचाई तो सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका 33%। 33% पे जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? तो ये है 1360 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? तो भारत में ये जान लीजिए कि सबसे अधिक जो सिंचाई के साधन है आपके वो कुआं और नलकूप हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग संचित होता है, सिंचित होता है? तो ये 31.4% जो है आपका नहरों से सिंचित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देश में कुआं और नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9, लगभग 60% तक सिंचाई होती है कुआं और नलकूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट आपका तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पे आपका तमिलनाडु हो गया और सेकंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो गया, जहां पर नलकूप और पंप सेट सबसे अधिक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? जहां खाली नलकूप हैं वो आपका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है, जहां पे तालाब से सिंचाई किया जाता है? तो आपका है तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जहां पे तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल कृषि भूमि में सबसे ज्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? तो सबसे ज्यादा संचित राज्य है आपका पंजाब, जिसको धन्य भंडार भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में की गई। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो से आपके सभी मित्रों को लाभ हो। 15 नंबर प्रश्न देखिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति आपका टमाटर से है। 16 नंबर, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? आपका भारत है। 17 नंबर है प्रश्न, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? अभी मैं आपको बता रहा था पीछे, तो ये पंजाब को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये पेरू चिली में हुई थी।
19 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। 20 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 21, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र दोस्तों केचुआ को कहा जाता है। आलू एक प्रकार का है, तो आलू आपका एक प्रकार का क्या है? तना है। 24 नंबर देखिए प्रश्न, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश में होता है। 25 नंबर देखिए, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो 42 नंबर होती है। 26 नंबर देखिए, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 27 नंबर देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत ही आपका सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो अनाज की रानी को मक्का को कहा जाता है। अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। 29 नंबर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल आपका खजूर है। मसालों का बगीचा 30 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को आपका मसालों की बगीचा कहा जाता है। 31 नंबर है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन, जिससे साड़ियां बनती हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता किस यंत्र से की सहायता से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 33 नंबर देखिए, फलों को मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? उसमें मौजूद फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के कारण जो है फल मीठे होते हैं। 34 नंबर देखिए प्रश्न, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो सन 1993 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 35 नंबर, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। 36 नंबर देखिए फ्रेंड्स, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथेलाजी कहलाता है। 37 नंबर देखिए प्रश्न, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा जो है आपका नारियल का वानस्पतिक नाम है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों के वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 39 नंबर देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए आपका फसल चक्र अपनाते हैं, मतलब फसलों को हेर फेर कर बोलना ही फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को कहते हैं टीसू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टीसू कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसी तरह से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।